आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को महंगाई और कोरोना नियंत्रण पर काम करना चाहिए। मंत्रिमंडल फेरबदल की समय कोई जरूरत थी भी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में चल रही बयानबाजी पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबकी सुनते हैं और उस पर तुरंत अमल भी होता है। सीएम गहलोत प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इस वक्त ऐसा कहना चाहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त कोरोना की जंग से लड़ रहा है। हालांकि अब हालात थोड़े से जो है शांतिपूर्ण हैं कोरोना को लेकर के, लेकिन फिर भी इस वक्त परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। देश को आने वाले तीसरी वेव से लड़ाई के लिए भी अपने आप को तैयार अभी से कर लेना चाहिए। ऐसे में जहां देश कोरोना से पीड़ित है एक ओर, और दूसरी ओर केंद्र सरकार की जो कीमतें हैं पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की, उसकी मार आम जनता पर पड़ रही है। मैं समझता हूं राजस्थान के अंदर बेहतरीन काम अशोक गहलोत जी के मंत्रिमंडल ने, अशोक गहलोत जी ने खुद ने किए हैं, और गहलोत साहब खुद चिंतित रहते हैं। एक एक विधायक से वो स्वयं कोशिश करते हैं बात करने की, एक एक कैंडिडेट जो चुनाव हार गया है उससे भी स्वयं बात करने की कोशिश करते हैं, और उनके तमाम मांगों को पूरा करने का कार्य भी गहलोत साहब स्वयं अपने स्तर पर करने की कोशिश करते हैं। इससे बेहतरीन जो है काम हो नहीं सकता किसी भी सरकार का, किसी भी मंत्रिमंडल का, मैं ये कहना चाहता हूँ।